नेशन एंड वो क्या होता है भाई, ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात हम करते हैं, तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है जो संविधान में संविधान ने हमको अधिकार दिया है, लोकसभा विधानसभा वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए, फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए, ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंदर जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने, अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है, ठीक है देख लेंगे। सर गठबंधन से डरे हुए इसलिए आपको लग रहा है? इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है इसलिए दर दिन एक नया नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। सर वकील, आप देखो